मुर्गी के अंडे का सालन। एक गांव में रहमान नाम का एक किसान रहता था। उसकी जमीन पूरी तरह से बिगड़ गई थी और वहां पर कुछ काम भी नहीं होता था। क्या ला, इस खेत में तो कुछ उगता ही नहीं, करूं तो क्या करूं? रहमान अपनी जमीन को लेके बहुत परेशान था। इतना परेशान था कि वो बेचारा बीमार पड़ गया। वो इतना बीमार हो गया कि वो पलंग से उतरता भी नहीं था, बिस्तर पे लग के था। या अल्लाह, ये तुमको क्या हो गया? हम कैसे जिएंगे? बेटा रशीद, तुम कोई किधर न किधर काम करो। हाँ माँ, मैं काम देखूंगा। रशीद दिन रात करके काम ढूंढता रहता है। कभी कभार जंगल चले जाता है तो कभी कभार कुछ न कुछ काम करता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता। एक दिन वो अंडे लेने के लिए अंडे के दुकान पे जाता है। भाई, अंडे कैसे दिए? 10 को 1। क्या भाई, इतना महंगा है? रशीद के पास पैसे नहीं थे। एक काम करो, ये थोड़े टूटे हुए अंडे है, मैं इसको तुम्हार को आधे दाम को दे दूं। होना है तो बोलो, दे दे तू। रशीद टूटे हुए अंडे लेके खुशी खुशी घर चले जाता है और माँ को देता है। उसकी अम्मी जान अंडे का सालन बनाती है। तभी घर के दरवाजे के ऊपर कोई खटकाता है। अरे भाई, कोई है घर पे? हाँ भाई जान, बोलिए। अरे भाई, हम मुसाफिर है, हमको बहुत दूर जाना है, यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा? कुछ खाने का होटल या ढाबा मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अरे भैजन, यहाँ खाने की जगह कोई भी नहीं है, ढाबा कुछ भी नहीं है, आप आइए हमारे घर और खाना खाइए। और वो मुसाफिर को अंडे का सालन खिला दिया। ये सालन कौन बनाया? मेरी अम्मी जान ने बनाया है। बहुत मजा है, बहुत मजेदार खाना है, बहुत अच्छा पकाया है। मेरे को मालूम ही नहीं था अंडों से इतना अच्छा सालन बनता। सो मेरा खुद का एक ढाबा है, तुम मेरे साथ चलते क्या? मेरे साथ वहाँ पे ढाबे के काम करो, तुमको अच्छी तनख्वाह भी देता हूँ। मेरे साथ काम करो, आते मेरे साथ, बोलो। हाँ हाँ भैजन, मैं जरूर आऊँगा। रशीद वो मुसाफिर के साथ उस ढाबे पे चले जाता है। रशीद अच्छी तरह से काम करता रहा। देखते ही देखते उनके अच्छे दिन आ गए, अब उनको कोई भी तकलीफ नहीं। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार था। उसका बड़ा बुजुर्ग हमीद था। उसका एक बेटा और एक बहू थे। बेटा बहुत ही नालायक और निकम्मा था, लेकिन बहू बहुत होशियार थी। हमीद अपना परिवार चाय और समोसे बेच के करता था, लेकिन उसका बेटा बशीर इधर उधर बेकार फिरता था। देख बेटा बशीर, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और तू भी शादीशुदा है, मेरे काम में थोड़ा सा हाथ बढ़ा ले, तेरे को भी आसानी हो जाएगी और मुझे भी आसानी हो जाएगी। नहीं बाबा नहीं, मेरे को नक्को बोलो, मैं उतनी देर उधर ठहर के काम नहीं कर सकता। मैं कल से आपके साथ दुकान आऊंगी और आपकी मदद भी करूंगी। लेकिन बहू। मना नक्को करो अब्बा, मैं कल से आपके साथ आऊंगी और मेरे को लेके जाना मत भूलो, मैं भी आपके बेटे जैसी हूँ। ठीक है बेटा, कल तू मेरे साथ काम पे आ जाना। सुबह सुबह उठ के हमीद की बहू थोड़ी सी बिरयानी बना लेती है और अपने ससुर के साथ चली जाती है। ये मेरी बहू है, आज से मेरे काम में मदद करने आई है, आज से ये तुम लोगों को समोसे और चाय देगी, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, आज खाने के लिए क्या है? मेरे को बहुत भूख लगी है, वैसे भी आज बहुत बिरयानी की खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही? मैं थोड़ी बिरयानी बना के लाई, खाते दूं जरा? हाँ बेटा, खिला दो बिरयानी, कई कुने खाते। अरे वाह, बहुत मजेदार हुई है बिरयानी, बहुत अच्छा पका है, कल से ज्यादा पका लेके आओ, यहाँ पे पूरा लाइन लग जाती देखो। हाँ हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी सोच है, क्या बोलती हो? हाँ अब्बा, क्यों नहीं, इससे हमारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, कल से ज्यादा बिरयानी बना के लाती हूँ। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते उनको इतना कारोबार बढ़ गया कि वो होटल से एक शानदार बड़ा होटल बना लिया। बाबा, आप ना मिलके इतनी मेहनत से ये होटल बढ़ाए और बहुत अच्छा है, मैं भी इधर इधर फिरना भूल गया तू, मैं भी तुम्हारे साथ मिलके काम करता हूँ, क्या बोलते, आ जाऊँ काम पे कल से? हाँ हाँ बेटा, जरूर आ जा, तू आया तो काम और भी हल्का हो जाएगा, आ जा, काम मिलके कर लेंगे अपन लोग, आ जाओ।
वैसे भी अपने को काम बहुत बढ़ गया है और लोगों की जरूरत पड़ती, तू आ गया तो और अच्छा रहता। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो छोटा काम भी बड़ा हो जाता। नदी के किनारे बहुत सारे मछियार रहते थे। वो सारे मच्छी पकड़ते और बाजार में बेच के अपना व्यापार करते थे। कैफ के अब्बू उसको मछियां पकड़ने के लिए लेके जाना चाहते थे, लेकिन सैफ को मच्छी तलना और खाना बहुत पसंद था। एक दिन सैफ के अब्बू सैफ से बोलते हैं कि देख बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हम मछियारे हैं, ऐसा बैठ के मच्छी तल के खाने में मजा नहीं है, तुम मच्छी पकड़ने जाओ, मैं घर में आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप परेशान नक्को हो अब्बू जान, सही वक्त आने पे मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, फिलहाल मेरे को मच्छी खाने दो। सैफ के अब्बू के बातें सैफ को हिला नहीं सकी। बेटे को सबक दिलाने के लिए सैफ के अब्बू नदी पर जाना छोड़ देते है और घर पे बैठे हुए रहते हैं। तभी वहाँ सैफ आता है। अब्बा जान, क्या हुआ, आप मच्छी पकड़ने नदी को नहीं गए? सैफ के अब्बू खामोश रहते हैं। लो बेटा, खाना खा लो। ये क्या माँ, सालन नक्को मेरे को, तुम्हें खा लो, मेरे को मच्छी होना, मच्छी दो मेरे को। बेटा अब से यही खाना है, मच्छी नहीं मिलेगी। क्या ये सालन, नक्को मेरे को नक्को। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलना, तुम्हारे अब्बा की तबीयत फिलहाल खराब है, उनको थोड़े दिन आराम की जरूरत है। अगर तुम्हें मच्छी खाने का इतना दिल बोल रहा तो तुम खुद जाके मच्छी पकड़ के ला लो। अगर तुम्हारे अब्बा फिर से मच्छी पकड़ने जाएंगे तो उनकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। अम्मी की बातें सुनकर सैफ को बहुत झटका लगता है और वह परेशान हो जाता है। क्या मच्छा पकड़ने मैं जाना? अच्छा फिर ये सालन से खा लो ना, तुम्हारे को भूख लगी है ना? भूख की वजह से सैफ उस दिन का खाना खा लेता है, लेकिन हर रोज वही खाना खा खा के बेचारे सैफ को तंगी हो जाती है। क्या हुआ बेटा, कहीं को खाना नहीं खा रहा? नक्को अम्मी, मेरे को पसंद नहीं है, आप इजाजत दिए तो मैं आज मच्छी पकड़ने जाऊँ। सही में मच्छी पकड़ने जाते? हाँ माँ, जाता हूँ। तो एक बात बोलूँ बेटे? बोलो मेरी अम्मी जान। खुद के लिए मच्छी पकड़ने जा रहे ना तुम, एक काम करो, थोड़े ज्यादा मच्छियाँ पकड़ लो ताकि अपन उसको बाजार में बेच सके। हाँ अम्मी, जरूर ज्यादा से ज्यादा मच्छियाँ पकड़ता हूँ। अब मेरे को समझ में आ गया है के अब्बा जान के काम में मेरे भी हाथ बढ़ाना है बोल के। ये बातें सुनकर सैफ के अब्बा बहुत खुश हो जाते हैं, वही तो ये समझाना चाह रहे थे। बेईमानदार कसाई। एक गांव में अब्दुल नाम का एक कसाई रहता था। उस गांव में वो अकेला कसाई था, इस वास्ते सब गांव के आदमी उसके पास चिकन या मटन लेते थे। अब्दुल बड़ा ही बेईमानदार कसाई था और हमेशा वो दरवाजों में कम तोलता था, हर एक बार इसी तरह से करता था। अब्दुल भाई, मुझे 1 किलो चिकन देना। अरे भाई हमीद, आज तुम बहुत खुश दिख रहे, क्या बात है, कुछ खुशखबरी है क्या? अब्दुल जी, मैं 12वीं क्लास पास हो गया हूँ, इसलिए आज अम्मी जान चिकन पकाएंगे। बातों के दरमियान अब्दुल ने कम चिकन तोल दिया और पैक कर डाला, ऐसा ही वो सबको कम देता था। अरे इसको मालूम ही नहीं, मैं इससे बहुत पैसा कमाते सो। एक दिन अब्दुल के पास एक सिपाही आता है। अब्दुल, कल नेता के घर 25 किलो मटन लाने को बोला है, और ये पैसे रख लेना, पूरे 25 किलो होना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, मैं पहुँचा डालूंगा साहब, मैं पहुँचा डालूंगा। अब्दुल अपनी आदत से मजबूर था, इसलिए 25 किलो के बदले में 20 किलो का मटन ही नेता के घर देकर आता है। तुम अब्दुल के पास कितने किलो मटन लाने को बोला था? 25 किलो सरकार। तो ये कैसे कम पड़ा? पहले जो दूसरे गांव से मंगाया था वो तो बहुत था, इस बार लगता है बावर्ची ने मटन चुराया है। बावर्ची से पूछताछ करो, बावर्ची को बुलाओ। जी मालिक, फरमाइए। क्या भाई, पहले बार तो मटन बच गया था, लेकिन ये बार क्या हुआ, क्यों खत्म हो गया, क्यों खाना कम पड़ा, बोलो। नहीं मालिक,
जितना भी मुझे मटन आया था मैं उतना सारा खाना बना गया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये काम जरूर अब्दुल का किया हुआ होगा। एक काम करो, तुम जाओ और अब्दुल को भेजो। और अब्दुल वहाँ पहुँचता है। अब्दुल, तुमने तो बेईमानी की है हमारे साथ, अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे माफ करो सरकार, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। नेता ने पुलिस को बोलकर अब्दुल को जेल में डाल दिया। सीख, बेईमानी का गड़ा कभी ना कभी टूटता ही है।